फ्रीडा के हमारे सारे मेंबर्स को मेरा नमस्कार। कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, सोचा कि ये बेस्ट तरीका है आप लोगों के साथ रूबरू होने का। हम सब एक तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं, सारी की सारी इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब इस महामारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से एक तकलीफ में आ चुकी है। हमारी इंडस्ट्री जैसे ही हम सबको पता चला कि लॉकडाउन हुआ है और हम बहुत तकलीफ़ के रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो इफ्टडा ने ये सोचा कि ये लड़ाई जो है ये अकेली एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं लड़ सकती, साथ में मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर इस समस्या से, इस लड़ाई से हमको लड़ना पड़ेगा। इफ्टडा ने अप्रोच किया फेडरेशन को और फेडरेशन के साथ बैठकर हमने एक रोड मैप बनाया, एक प्लानिंग की, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरीके से ये जो आपदा हमारे पे पड़ी है इसका कैसे मुकाबला किया जाए। हाथ पे हाथ धर के बैठने का कोई मतलब नहीं है। फेडरेशन जो कि एक मदर बॉडी है हमारी 32 क्राफ्ट की, हम लोग सब साथ में बैठे और मिलकर हमने प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को भी अप्रोच किया और उनको भी एक ही प्लेटफॉर्म पे हम साथ में हमने लाया। और हम खुशकिस्मत हैं, हमें हम शुक्रगुजार हैं प्रोड्यूसर्स गिल्ड के, IFPTC के, इम्पा के और वेस्टर्न के, कि सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हम आए और हमने एक रास्ता अपनाया कि किस तरीके से इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं। फंड्स कलेक्शन का दौर शुरू हुआ और हमें काफ़ी लोगों ने, बड़े बड़े एक्टर्स डायरेक्टर्स ने फंड किया। रोहित शेट्टी जी उसमें से हैं, अजय देवगन है, वरुण धवन है, इम्पा है, IFPTC है, इम्पा है, गिल्ड है, सारी ऑर्गेनाइजेशन सब एक साथ आके हमने एक प्लानिंग करके फंडिंग का सोर्स बनाने की कोशिश की। सारे बहुत सारे एक्टर्स हैं, रणवीर शोरी है, सब लोगों ने सामने से आकर बोला कि हम साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि हम किसी के घर नहीं जा सकते, कोई हमारे घर नहीं आ सकता, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ लॉकडाउन की वजह से हमारे हमारी रीचेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी भी बंद हो गई थी, दफ्तर बंद करने पड़े, इंटरनेट्स हम घरों से बैठकर ही हमको इस्तेमाल करना था, तो एक तकलीफ के दौर से हमने कुछ रास्ते निकाले। हमने आप जानते हैं कि हमने किस तरीके से आप लोगों को मेल्स किए और मेल्स में हमने आपकी डिटेल्स मंगाए, आपके बैंक के डिटेल्स मंगाए, आपके मेंबरशिप नंबर, सब कुछ जो है, बिकॉज बहुत ज़रूरी था ये सब, अगर बैंक के थ्रू हमें ट्रांसफर करना था। और आप लोगों ने भेजे, हमने उसको छांटा, छांटने के बाद एक लिस्ट बनी, खाली हमारी इफ्टडा ने नहीं, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने यही काम किया। डिटेल्स मंगाने के बाद, उसको छांटने के बाद, उसकी एक्सेल शीट बनाने के बाद, जो कि बहुत वक्त लग गया उसमें, क्योंकि लोगों ने चार चार बार, पाँच पाँच बार सेम मेल्स भेजे हैं, भेजा, उसको रेक्टिफाई करने के बाद हमने ये लिस्ट जो है ये हमने सलमान खान के बींग ह्यूमन जो NGO उनमें भेजी। और वहाँ जैसे हमने लिस्ट भेजी तो उनके बैंक अकाउंट से स्ट्रेट पैसे जो है हमारे लिस्ट के मुताबिक ट्रांसफ़र होने शुरू हुए। अब इसके दौरान पैरेलली जो हमारी लिस्ट बढ़ती जा रही है, नाम और भी आते जा रहे हैं, तो सलमान जी ने एक हमें प्रॉमिस किया कि 25,000 टोटल जो लोग हैं बिलोंगिंग टू ऑल द क्राफ्ट्स उनको हम 3,000-3,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। और वो प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इस दौरान ये हुआ कि मुझे पता है कि हम सब बहुत ही तकलीफ में हैं और परेशान हैं। हम जैसे ही अपनी लिस्ट बैंक में भेजते थे तो वो लिस्ट में से काफ़ी नाम वापस आ जाते थे और पूरी के पूरी लिस्ट रिटर्न आती थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेंबर्स ने अपना IFC कोड गलत लिखा, अपने नाम की स्पेलिंग गलत लिखी, तो उसकी वजह से फिर हमको रेक्टिफाई करके फिर, तो जो टाइम कंजम्पशन जो हो रहा है वो टाइम कंजम्पशन इसलिए हो रहा है कि चीज़ों की डिटेल्स हमारे पास करेक्ट नहीं आई, तो उसमें भी काफ़ी टाइम गया। ये कोई शिकायत का मामला नहीं, हम सब जो है एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि दिमाग भी आधा चल रहा है हम लोगों का। पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मेरे ख्याल से लगभग 90% हमारे इफ्टडा के मेंबर्स को वो पैसे लिस्ट के हिसाब से जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई थी या रिक्वेस्ट आए थे हम कर चुके। इस दौरान मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा और कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितनों ने भी हमारे को अप्लाई किया है उनको पैसा ट्रांसफ़र होगा, ये
इफ्टिडा का कमिटमेंट है आपको, ये फेडरेशन का कमिटमेंट है आपको, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को तो लेके आप घबराइए मत और टेंशन में। हाँ, देर हो सकती है टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, बैंक्स बंद होते हैं, उसमें 10% स्टाफ काम कर रहा है, कभी इंटरनेट नहीं चलता है, कभी बैंकिंग सिस्टम नहीं चलता है, कभी हमारे नंबर्स नहीं गलत होते हैं, तो वो डिले जो है वो टेक्निकल डिले की वजह से। लेकिन इफ्टिडा की फेडरेशन की नीयत सबके साथ में बैठकर, सबके साथ में रहकर इस प्रॉब्लम को लड़ने की नीयत है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल निश्चित रहिए, सब एक हैं, ये संस्थाएँ आपकी हैं, आप इस परिवार के एक सदस्य हैं, जैसे हम हैं, जैसे बाकी लोग हैं। अगर हम सब साथ में नहीं इस लड़ाई के लिए लड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये प्रतिक्रिया जो इनिशियल जो प्रॉब्लम्स आई है, मुझे लगता है कि अगले महीने नहीं होंगी, क्योंकि अब जो है पूरी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, पूरी चीज़ें लाइनअप हो चुकी हैं, सारी डिटेल्स हमारे पास करेक्ट आ चुकी हैं। कोशिश करके अगले महीने भी हम इसको रिपीट करेंगे, होपफुली, मुझे इस बात का यकीन है। और जितना हो सके, जब तक हमारी तकलीफें दूर नहीं होंगी, जब तक शूटिंग शुरू नहीं होगी, जब तक काम नहीं शुरू होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो हम साथ में मिलकर इस प्रतिक्रिया को चालू रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए आप परेशान मत हो। मैं बार बार आपको एक बात ही कह रहा हूँ कि भरोसा रखिए अपने आप पर, हम पर, क्योंकि हम भी आप ही का हिस्सा हैं, और ऊपर वाले पे, कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। ये मैं आपको बता दिया आपकी किस तरह से हमने ये जो सिस्टम हमने अपनाया और किस तरीके से हमने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया। कोई भी किसी भी शख्स को हम कैश बाय हैंड नहीं दिया गया, सारे पैसे ट्रांसफर्स हो रहे हैं, सारे पैसे बैंक टू बैंक जा रहे हैं, सारे अकाउंट्स, सारे डिटेल्स, एक्सेल शीट्स बनी हुई हैं, और जिसने डोनेशन दिया है, दे रहा है, उसको वो डिटेल्स उनके टेलीफोन नंबर्स के साथ, उनके बैंक अकाउंट्स के साथ भेजे जा रहे हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए, ईमानदारी के साथ फेडरेशन, सारे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन बिल्कुल एक पथ होकर जो है वो काम पे लगे हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने मेल किया है डिटेल्स और आपको नहीं आया, तो आप एक बार और मेल कर दीजिए, डिटेल्स मत मेल करिए, बोलिए कि ये मेरी डिटेल्स हैं, मैंने इस तारीख को मेल किया था, मुझे अब तक पैसे नहीं आए, तो वो हम फिर रेक्टिफाई करके हम बैंक से बात करेंगे और कोशिश करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट अगले महीने से मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज अब तक सिस्टम बन चुका होगा, बैंक्स भी यूज्ड टू हो गए हैं, हम लोग भी यूज्ड टू हो गए हैं, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस किसी भी एसोसिएशन का या किसी भी संस्था का इस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो नहीं था, या किसी का भी नहीं था, और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस किस्म की जो समस्या हम पर पड़ेगी। हम काफ़ी स्ट्रांग लोग हैं, हम सब कलाकार हैं, हम सब क्रिएटर्स हैं, हमारी नींव जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, बड़ी सी बड़ी लड़ाइयाँ हमारी इंडस्ट्री लड़ चुकी है, हम सब कुछ सहकर आगे बढ़े हैं, और मुझे इस बात का विश्वास है, मुझे इस बात का फेथ है कि हम इस समस्या से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे, और जल्द से जल्द हम अपने सेट पर पहुंचकर अपना काम शुरू करेंगे। यही उम्मीद है, यही ऊपर वाले से हम दुआ मांगते हैं, यही हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने आप पे फेथ रखिए, अपने आप पर एक विश्वास रखिए, खुश रहिए, और इस पूरे समय से हम गुजर जाएंगे। हम सब इस बात को का संज्ञान है, हम लेते हैं, हमको इस बात का एहसास है, ये बात हम महसूस करते हैं कि किस तरीके से हमारे डेली वेज वर्कर्स, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, हमारे लाइट बॉयज़, हमारे स्पॉट बॉयज़, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, सारे क्राफ्ट के लोग किस मुसीबत से जूझ रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स किस तकलीफ में जा रहे हैं, सबकी मनोस्थिति एक ही है, लेकिन उस मनोस्थिति को, हमारे कॉन्फिडेंस को हमें शैटर नहीं होने देना चाहिए, हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और उसी ताकत से, उसी पॉजिटिविटी से लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड फाइट दिस बैटल। जय हिंद, शुक्रिया।